हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुट एक सीएनसी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हम 1 मंथ का सीएनसी का ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, सबसे बड़ा सवाल रहता है। मुझे जो भी इंक्वायरी के लिए पहले फ़ोन करेगा, इंक्वायरी करेगा, उसके बाद वो पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर प्लेसमेंट करवाओगे कि नहीं करवाओगे, और करोगे तो कितना सैलरी मिल सकता है हमें, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, कुछ तो इसके बारे में बताइए। तो आज मैं एक प्रूफ के साथ यहाँ पे हूँ। ये हमारे स्टूडेंट है, 18th बैच हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस बैच में 38 स्टूडेंट थे, सभी का इंटरव्यू हुआ, सभी को हमने यहाँ पे प्लेसमेंट दिया है। कुछ स्टूडेंट अपने मन से करना चाहते, कुछ स्टूडेंट नहीं करना चाहते। जो करना चाह रहे वो यहाँ पे है, 5 स्टूडेंट मेरे साथ रुके हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए या वो बताएंगे अपने जुबा से कि उनको यहाँ पे ट्रेनिंग कैसे मिला या प्लेसमेंट मिला है कि नहीं मिला है और क्या सैलरी उनको ऑफर किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से आए ये बताना है, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग कैसे लगा और अभी आपको प्लेसमेंट मिला है कि नहीं और कोर्स कब कंप्लीट हुआ, जॉब पे कब जाने वाले हैं ये बताइए। ये देखिए, पकड़िए, आइए थोड़ा आगे। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं यूपी से हूँ, मेरा जौनपुर ज़िला है और मैं डिप्लोमा मेरा कंप्लीट है ऑटोमोबाइल से, और सर यहाँ पर प्लेसमेंट करवाए हैं मेरा। आज मेरा बैच ख़त्म हुआ है और कल से मैं कंपनी में जाऊँगा। कल से ज्वाइन हो रहे हैं? कल से ज्वाइन हो रहा है। रूम वगैरह देख लिया है? हाँ सर। रूम खाना? हाँ सर देख लिया। वो इंतज़ाम हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है। ट्रेनिंग कैसे लगा आपको? ट्रेनिंग सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ ठीक है। प्रैक्टिकल हुआ? हाँ सर प्रैक्टिकल भी हुआ। ठीक, थैंक यू। चलिए पुरुषोत्तम जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुरुषोत्तम राजवार है, मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ फर्स्ट दिन जिससे मैं आया तो मुझे थोड़ी बहुत घबराहट होती थी कि मैं सीख पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सारे लोग फैमिली की तरह ही बातचीत करते हैं। बड़ी जो हमारे अभिजीत सर है, छोटी छोटी बारीकी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाते हैं, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई। आज हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है और कल से हम लोग प्लेसमेंट हम लोग को मिल चुका, हम लोग कल से कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। थैंक यू। कंपनी देख के आ गए? यस सर। इंटरव्यू कहाँ पे हुआ आपका? कंपनी में सर। यस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। पहले तो मैं स्टार इन्फोटेक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरा एक दोस्त था मुंबई में, मैं उसको बोला कि मेरे को भी तेरा काम सीखना है, वो प्रोग्राम है अभी मुंबई में। वो बोला कि नहीं, मेरे पास रूम नहीं है, ऐसा कुछ बोल के मेरे को ना बोल दिया। तो मैं यूट्यूब से सर्च करके सर का स्टार इन्फोटेक बारे में जानकारी पाया, तो सर के साथ कॉन्टैक्ट किया और अभी यहाँ से 1 महीना में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मेरा अभी ट्रेनिंग का कोर्स जो कि ख़त्म हो गया है, और सर तो बहुत फ्रेंडली होते हैं और ऐसे जैसे बोलते हैं कि हाथ को लेके, हाथ पकड़ के सिखाते हैं, इसी तरह का सर होते हैं। सब आराम से, कोई रहना और खाना का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ हम जो खाना खाते हैं ना, सर भी वही खाते हैं हमारे साथ बैठ के। और सब यहाँ पे कोई प्लेसमेंट भी मेरा हुआ है, जो कि सैलरी तो 10,000 है, लेकिन उसमें नहीं, मेरे को क्या आगे बढ़ना है, तो इसीलिए मैं 10,000 में भी संतुष्ट हो गया। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो और भी कमा पाएंगे अगर। हाँ सर, जरूर, थैंक यू। नौकरी की शुरुआत तो हो गई। हाँ चलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता है, मैं झारखंड धनबाद से हूँ। मुझे बिल्कुल भी सेंसी के बारे में पता नहीं था। मैं जब यहाँ आया तो मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया कि जॉब कैसे लगाया, जॉब का सिस्टम क्या है, रेफरेंस कैसे लेते हैं, ऑफसेट कैसे करते हैं, और MDI में प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, और कूलेंट ऑन ऑफ, मैं बहुत हद तक मैं लगभग सीख ही चुका हूँ। और प्लेसमेंट में मुझे मिला है और अच्छी खासी पेमेंट भी है, ठीक ठाक स्टार्टिंग। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विद्याधर राउत और मैं उड़ीसा से हूँ। पहले तो छोटी मोटी कंपनी में काम किया करता था, जबकि हमें CNC के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और ऐसे कोई मदद भी नहीं था कि बाहर से किसी के पास सीख पाए CNC। तो ऑनलाइन यूट्यूब से सर के बारे में पता किए है, स्टार इन्फोटेक के बारे में। और यहाँ आने से पहले तो बहुत कुछ डाउट था कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। और 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ पूरा, सर भी बहुत फ्रेंडली है, छोटी छोटी चीज़ें भी सर ने बहुत सिखाया है, हमने हाथ पकड़ के ऐसा सिखाया है,
और प्लेसमेंट जो है हमें मिला है कंपनी में, 8 घंटे का 10,000 सैलरी ऑफर भी किया है। और सैलरी जो है सो दोस्त लोग हमें शुरुआत में देखना भी नहीं चाहिए 2-3 महीने, बराबर तो कुछ भी हो सीखना चाहिए, आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। और सैलरी तो ऐसा है कि बाहर कंपनी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 15,000, लेकिन वहाँ सीखने को ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं अभी सैलरी का डिमांड नहीं किया हूँ, जितना कंपनी मेरा ऑफर किया उतने में ही काम करने की कोशिश करूँगा आज। और आज मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो रहा है, कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी में, और सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा बस। थैंक यू। तो ये 5 स्टूडेंट है जिनको हमने यहाँ पे 2 कंपनियों में लगाया, 3 स्टूडेंट है ये 1 कंपनी में जाने वाले, जिनको 8 घंटे का 10,000, 12 घंटे का 15,000 ऐसे ऑफर किए हैं। और बाकी जो 2 स्टूडेंट जाने वाले हैं उनको 8 घंटे का 12,700 दिया है, 12 घंटे का 19,500 के आसपास हो जाता है। तो इस प्रकार से उनको ऑफर किया हुआ है। अगर आप भी जॉब पाना चाहते हैं, आपको भी अच्छा ट्रेनिंग चाहिए, तो हमारे पास 2 CNC मशीन है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, रहने की सुविधा खाने की सुविधा पूरी सेंटर में अवेलेबल है, यानी एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला जो बैच है हमारा ये 20 जनवरी को शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर मार्च में बैच होगा। तो अगर आपको भी एडमिशन करना है मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ स्टूडेंट के साथ। थैंक यू।